अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट रेडर। एक ऐसा अमल जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, जो न सिर्फ आपके दिल और रूह को सुकून बख्शता है बल्कि आपको अल्लाह के करीब भी ले आता है। आज आप जानेंगे एक ऐसी ताकत के बारे में जो हर मुसलमान के लिए एक खजाना है, और वो ताकत है दुरूद पाक की ताकत। अगर आप बताए हुए तरीके से दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं हाजात पूरी होंगी और आपके मसाइल जरूर हल होंगे। चाहे आप फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, सेहत का, बच्चों का, शादी का, कोई भी मसला है, मसला चाहे एक है या मसाइल का अंबार है, आप तमाम मसाइल की एक साथ नियत करके दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जब भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और इस बार भी आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आपने करना ये है कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें, और मन्नत आपने अपनी रूटीन को सामने रखते हुए मांगनी है। जैसा कि कुछ लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अगर हमारी कोई बहन हाउसवाइफ है और बहुत ही हैक्टिक रूटीन है तो बहुत बड़ी मन्नत ना मांगें। आप चाहें तो 1,000, 3,000, 11,000, 21,000, चाहे तो 1,25,000 दुरूद पढ़ने की मन्नत मान लें। मन्नत मांगते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मन्नत अपने हिसाब से मांगे, जितना आप पढ़ सकें, और इस बात का तायुन भी कर लें कि जो तादाद आपने सोची है उसे कितने दिन में मुकम्मल करना है, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन। दुरूद इब्राहिमी की तादाद और डेज दोनों अपनी रूटीन के मुताबिक तय कर लें, और फिर मन्नत मान लें कि मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अपनी रहमत से, नजर करम से मेरे काम बना दें। मैं उसके लिए दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगती हूँ या मांगता हूँ कि मैं इतने हजार दुरूद पाक पढ़ूंगी, इतने दिन में पढ़ूंगी। आप जब भी ये अमल करें तो बावजू पढ़ेंगे, एक जगह बैठकर तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ेंगे, इस तसव्वुर के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपका दुरूद पाक समात फरमा रहे हैं, और आप रोजाए अकदस के सामने मौजूद हैं और फिर दुरूद पाक पेश कर रहे हैं। आप दिन में कई बार पढ़ सकते हैं, जैसे सुबह में आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ्री होती हैं तो आप बावजू होकर बैठें और जितना बआसानी पढ़ सकती हैं 100 बार 200 बार पढ़ लें, और शाम में जब फिर टाइम मिला तो शाम में पढ़ लें। पूरे दिन में जितना पढ़ सकते थे वो पढ़ लिया, और रात में फिर आपको 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। इस नफल नमाज में सूरह फातिहा के बाद आप जितनी बार बआसानी सूरह इखलास पढ़ सकती हैं, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, अपनी आसानी के मुताबिक बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें। 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है, सलाम के बाद उसी जगह बैठकर तवज्जो ध्यान के साथ चंद बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 100 बार, जितना आप बआसानी पढ़ सकें, और जितना आपने दिन भर में दुरूद पाक पढ़ा उसे काउंट कर लें, और फिर दुआ करें कि इसका सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया फरमा दीजिए, और उनके वसीले से खातून जन्नत सईदा फातिमतुज़्ज़हरा की रूह मुबारक को हदिया फरमा दें, और उनके वसीले से मेरी ये हाजात हैं इनको पूरा फरमा दीजिए, और रो रो कर गिड़गिड़ाहट के साथ आजजी और इंकिसारी के साथ अल्लाह के हाँ दुआ करें। यकीन करें 3 दिन के अंदर अंदर लोगों के मसाइल हल हुए हैं। सजदे में सर रख कर दुआ करें और रब से दुआ करें कि जो पूरी कायनात का बादशाह है मेरी मदद फरमा। इन हस्तियों के वसीले से यकीन माने बाज दफा एक ही दिन में काम बन जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके खलूस तवज्जा और ध्यान पर। जितना ज्यादा खलूस और अकीदा मजबूत हो उतना जल्द आपका काम बन जाएगा। रोजाना पढ़ें और हदिया करें, ये बहुत ही अक्सीर अमल है। सहाबाए कराम को जब भी कोई मसला पेश आता तो वो फौरन सैयदा फातिमा की बारगाह में पैगाम भेजते, और अल्लाह के हबीब की बारगाह में कोई चीज मनवानी होती तो उनके जरिए से मनवा लेते थे, और आज सदियों के बाद भी बादस विसाल ये नुस्खा लाजवाब है। फीडबैक जरूर दें ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, उनके भी मसाइल हल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।